नमस्कार बच्चों, आज भी हम कक्षा 11वीं का अध्याय 2 जिसका नाम संबंध एवं फलन है पढ़ेंगे। आज के सत्र में हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। याद करें पिछले सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले सत्र में हमने क्रमित युग्मों के बारे में पढ़ा एवं कार्तीय गुणन। आइए उनकी परिभाषा देखें। क्रमित युग्म किसी भी विशेष कर्म में समूहित अवयवों का एक युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। और कार्तीय गुणन दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम घटक समुच्चय P में से आ रहे हैं तथा दूसरे घटक समुच्चय Q में से आ रहे हैं। तो आज इस सत्र में हम इन विषयों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संबंध की परिभाषा। एक संबंध को तीर आरेख, जिसे हम अंग्रेजी में एरो डायग्राम कहते हैं, कैसे निरूपित करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ बिंदु संबंध के संदर्भ में, जैसे प्रतिबिंब, प्रांत, सहप्रांत, परिसर आदि। और अंत में इन्हीं के संदर्भ में सबके ऊपर प्रश्न भी हम देखेंगे। आइए सबसे पहले संबंध की परिभाषा देखें। ये आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, दो समुच्चय। ये पहला समुच्चय मान लेते हैं A, ये दूसरा समुच्चय B। पहले समुच्चय में कुछ विषयों पे के नाम दिए हुए हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, सिविक्स, इंग्लिश और हिंदी। B के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दिए हुए हैं A, E, I, O, U। इनके बीच हमें एक संबंध स्थापित करना है जो कि हमने R से दिखाया है। अब ये संबंध क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे A और B का कार्तीय गुणन निकालिए, तो क्या निकालेंगे आप? अब झट से मुझे बता देंगे, मैथ A, मैथ E, मैथ I, मैथ O और मैथ U। यानी मैथ के साथ सारे स्वरों का जो युग्म बनेगा वो, फिर फिजिक्स के साथ बनाएंगे, ऐसे ही बाकी सारे विषयों के साथ भी बनाएंगे, ठीक। और इन सब जो हमारे क्रमित युग्म हैं उनका अगर मैं समुच्चय ले लूं तो मुझे कार्तीय गुणन मिल जाएगा। पर अगर इसी में अभी आपको कहूं, मैं कुछ बदलाव करती हूं और मैं कहूं कि जो ये विषय है वो उन्हीं के साथ आपका युग्म बनाएगा, यानी उन्हीं स्वर के साथ युग्म बनाएगा जो स्वर उस विषय के अंदर आ रहे हों, ठीक। तो आप क्या कहेंगे? मैथ को आप कहेंगे A के साथ, यानी मैथ का युग्म A के साथ बनाएंगे। E, I, O, U क्या इसके साथ बनाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वह इसमें नहीं आ रहे, ठीक। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर हमारा कौन सा स्वर आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का? आई। तो आप आई के साथ इसका युग्म बनाएंगे। सिविक्स, फिर से आई। इंग्लिश के अंदर कितने स्वर आ रहे हैं? दो। तो यानी दो युग्म बनेंगे। इंग्लिश का सबसे पहले आप ई से बनाएंगे, फिर आई से बनाएंगे, ठीक। और आखिरी में हिंदी, हिंदी के अंदर भी आपका आई स्वर आ रहा है तो उसका भी युग्म आई के साथ बनेगा। अब इन सारे युग्मों का अगर मैं समुच्चय बना लूं तो वो क्या समुच्चय होगा, कैसा समुच्चय होगा? वो इस कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा, ठीक। और ऐसे ही उपसमुच्चयों को हम क्या कहते हैं? संबंध, जिसमें दूसरा घटक पहले घटक क्या हो, इन दोनों के बीच में मध्य में कोई संबंध स्थापित हो। तो आइए इसकी परिभाषा देखें और ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको बताया है क्या है निरूपण, ये हमारा एक तीर आरेख यानी एरो डायग्राम से ही मैंने आपको एक संबंध का दृष्टिकोण बताया है। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा क्या कह रही है? किसी अरिक्त समुच्चय A और अरिक्त समुच्चय B, दो समुच्चय आ गए A और B, में संबंध कार्तीय गुणन
किसका है? ये गुणन है और संबंध हमने ले लिया, मान लेते हैं आर। ठीक, तो हमने पहले लिया था ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, और इन दोनों में संबंध हमने लिया आर का। एक उपसमुच्चय होता है, यह उपसमुच्चय गुणन के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य में क्या होता है? एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक, इस पे उदाहरण भी लेंगे अभी हम, पर यहां से आपको परिभाषा मिल जाएगी। तो हम अगर फिर से इस परिभाषा को पढ़ें तो क्या मिला हमें? किसी अरिक समुच्चय ए से अरिक समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है, और यह उपसमुच्चय ए जब बी से हम कार्तीय गुणन करते हैं, इसके क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य में एक संबंध स्थापित करने से हमें प्राप्त होता है। और हमने यहाँ संबंध क्या लिया था कि जो विषय में अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर आ रहा है उसी पे ये युग्म बनाएगा, यानी उसी के साथ वो युग्म बनाएगा। ठीक, आइए अब कुछ विशेष बिंदुओं पे ध्यान दें। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी, इसमें के बीच हमने एक संबंध आर स्थापित कर दिया है। और वो संबंध क्या है कि ये जो विषयों के नाम हैं वो उन्हीं के साथ युग्म बनाएंगे, उन्हीं स्वर के साथ जो स्वर इनके शब्द में आ रहा है, यानी मैथ ए के साथ, फिजिक्स आई के साथ, सिविक्स भी आई के साथ, इंग्लिश ई और आई के साथ, और हिंदी आई के साथ। ठीक, अब सबसे पहले बिंदु पे ध्यान देंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? द्वितीय घटक यानी प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है, यानी जो द्वितीय घटक पहली जो पहला हमारा घटक है जिसके साथ युग्म बना रहा है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है पहले घटक का। तो इसके अंदर ए स्वर जो ए है वो क्या है? प्रतिबिंब है मैथ का। ठीक, ई हमारा प्रतिबिंब है किसका? इंग्लिश का। ठीक, तो हमारे दूसरे घटक यानी ए, ई और आई ये क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, आइए अब दूसरे बिंदु पे ध्यान दें जो कि है प्रांत। प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध आर है के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी जिन जिन अवयवों का प्रतिबिंब है उन अवयवों का अगर मैं समुच्चय में डाल दूं तो वो समुच्चय मेरा क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। यहां पे देखेंगे समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है, तो यानी सारे के सारे जो मेरे अवयव हैं वो क्या है? प्रांत के सदस्य हैं। तो प्रांत क्या बन गया? पूरा का पूरा समुच्चय ए। ठीक, तो समुच्चय ए इस संबंध आर का प्रांत है। अब आगे परिसर। परिसर प्रतिबिंब हमने पढ़ा है, अगर सारे प्रतिबिंबों का मैं समुच्चय बना लूं तो वो समुच्चय मेरा परिसर कहलाता है। तो इसके अंदर हमारा परिसर क्या होगा? ए ई आई, यानी जो परिसर है वो समुच्चय है किसका? सारे प्रतिबिंबों का। ठीक, आखिरी सहप्रांत। सहप्रांत क्या है? जो मेरे प्रतिबिंब हैं यानी जिस पे मैंने आर स्थापित किया है, प्रतिबिंब मेरे बी का क्या है? उपसमुच्चय। तो पूरा का पूरा बी मेरा क्या कहलाता है? सहप्रांत। ध्यान देंगे जो परिसर होता है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, यही हमने अभी देखा। ठीक, आइए इस पे एक सवाल लेते हैं। अब सवाल क्या है? सवाल बता रहा है हमारे पास एक समुच्चय ए है, एक दो तीन चार पाँच छः इसके अंदर अवयव है। हमने ए से
ए तक का ही एक संबंध स्थापित किया है। और संबंध क्या है? इसके अंदर वो सारे क्रमित युग्म आएंगे जिसमें दूसरे घटक पहले घटक का दो गुना है। ठीक, देख सकते हैं y बराबर में 2x यानी 2x। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है? हमें इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाना है एवं इस संबंध का प्रांत, सह प्रांत एवं परिसर भी ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले तीर आरेख बना लेते हैं और फिर हम इसका आलेख जो हमारा उत्तर है वो देखेंगे। ठीक, ए ए यानी ये मेरा क्या हो गया समुच्चय ए, ये मेरा समुच्चय ए। इसी दोनों सेम समुच्चय पे ही हमें यानी दोनों ही समान समुच्चय पे ही हमें अपना संबंध स्थापित किया है। तो सबसे पहले ए का प्रतिबिंब देखते हैं यानी पहले अवयव का प्रतिबिंब देखते हैं। एक ये किसके साथ युग्म बनाएगा? ध्यान देंगे, एक को अगर मैं यहां रखूं तो क्या आएगा मेरा वाई? दो, दो गुना, तो एक का दो गुना हो गया दो पे। ऐसे ही दो मेरा बनाएगा युग्म चार के साथ और तीन मेरा युग्म बनाएगा छह के साथ। ठीक, अब चार को देखते हैं, चार मेरा युग्म किसके साथ बनाएगा? आठ के साथ, पर आठ मेरा समुच्चय में है ही नहीं, तो यानी चार का प्रतिबिंब है ही नहीं। ठीक, तो ये तो रहा हमारा तीर आरेख और इसी से ही प्रांत हम निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, अब पिछले वाले उदाहरण में सारे अवयव हमारे प्रांत के सदस्य बन गए थे, पर इसके अंदर आप देख सकते हैं केवल तीन ही अवयव ऐसे हैं जो हमारे प्रांत में है। तो यानी प्रांत क्या हुआ? एक, दो और तीन। आइए इसका अब उत्तर देखें। समुच्चय ए के बीच में हमने संबंध आर्क डाला, ए का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब चार, तीन का प्रतिबिंब छह। प्रांत क्या बन गया? समुच्चय जिसके अंदर तीन अवयव हैं, एक, दो और तीन। परिसर यानी सारे प्रतिबिंबों का समुच्चय। प्रतिबिंब कौन कौन से? दो, चार और छह। बना दिया हमने एक समुच्चय दो, चार और छह, ये हमारा परिसर हो गया। अब सहप्रांत, सहप्रांत तो पूरा का पूरा समुच्चय ए ही रहेगा, तो ये हमारा पूरा समुच्चय ए। ठीक, आगे देखते हैं इस प्रश्न के अंदर। इस प्रश्न के अंदर भी हमें एक संबंध दिया हुआ है आर, ये पूरा, और हमें ज्ञात करना है इस संबंध आर का प्रांत एवं परिसर। अब पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या और यानी हमारे इसके अंदर कैसे अवयव है। ठीक, इस चर y और इस चर x को देखेंगे, ये दोनों हमारे क्या ले रहे हैं? प्राकृत संख्याएं ले रहे हैं। और जो x है ये मेरा 6 से छोटा रहेगा हमेशा। ठीक, तो यानी x मेरा क्या है? चर x प्रांत का सदस्य रहेगा, तो प्रांत के सदस्य के लिए हमारे कौन कौन सी वो संख्याएं ले रहा है वो हम ले लें पहले। यानी x मेरा कहां से कहां तक ले सकता है? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ध्यान देंगे, छह ले सकता है? नहीं, क्योंकि जो मेरा चर x है वो छह से छोटा है, तो यानी छह नहीं लेगा। ठीक, अब हमने दूसरा घटक ज्ञात करना है, उसके लिए हमें संबंध दिया हुआ है। संबंध क्या है? x जमा 6 बटे x। तो हम इसमें x का एक एक करके मान भरते रहेंगे और जो y है यानी जो दूसरा घटक है वो निकालते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं x का मान 1 भरती हूँ तो मेरा क्या बनेगा? सीधा युग्म लिखूंगी, 1 जमा में 6 बटा 1, तो ये क्या बन गया? 7। ऐसे ही दो जब हम लिखेंगे यानी दो भरेंगे x का मान, दो जमा छह बटा दो, दो तीया छह,
तो ये हमारा भाग हो गया और तीन में दो जमा हुआ तो आए पांच। तीन के साथ तीन जमा छह बटा तीन, तीन भी हमारा छह को भाग कर सकता है और वो भाग करने पर हमें कितने मिले, दो। तीन जमा दो फिर से पांच। ठीक, आखिर चार के साथ लेते हैं, चार जमा छह बटा चार। अब आप देखेंगे क्या आया ये, चार जमा छह बटा चार, दो से पहले से भाग कर लेते हैं, ये कितना बना, आठ जमा तीन बटे दो, यानी उत्तर आपका आया ग्यारह बटे दो। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये जो हमारा दूसरा घटक है क्या ये प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्रश्न में आप देखेंगे ये जो y है वो मेरा प्राकृत संख्या ले रहा है, यानी दूसरा घटक जो है वो भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, पर ये परिमेय संख्या है तो यानी ये युग्म हमारा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा इस संबंध का। ऐसे ही अगला हम देखेंगे, पांच के साथ भी हमारा युग्म नहीं बनेगा। आइए इसका अब हल देखें, हल में हमें क्या निकालना था, प्रांत और परिसर, तो प्रांत हमारा ये निकला जिसके अंदर तीन अवयव हैं एक दो और तीन, क्योंकि एक दो और तीन के ही प्रतिबिंब हैं और वो प्रतिबिंब क्या थे, सात और पांच, तो हमारा परिसर क्या बना, वो समुच्चय जिसके अंदर सात और पांच एक अवयव है। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखें, ये प्रश्न भी बहुत आसान है, के हमारा एक संबंध दिया हुआ है, इस के अंदर आप देखेंगे x एक वास्तविक संख्या है और जो y संबंध क्या है, यानी जो दूसरा घटक है वो क्या लेगा, मापांक संख्या लेगा यानी पॉजिटिव वैल्यू लेगा। अब इसके अंदर हमें इसी प्रश्न में प्रांत और परिसर यही निकालना है, तो बच्चों ध्यान देंगे जो पहला घटक है वो कैसी संख्याएं ले रहा है, वास्तविक संख्याएं ले रहा है, तो बड़ा आसान है, तो यानी प्रांत पूरा क्या बन गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमारा प्रांत हो गया। अब ध्यान देंगे जो दूसरा घटक है वो कैसे ले रहा है संख्याएं, सारी पॉजिटिव यानी सारी मापांक संख्याएं ले रहा है, तो इसका क्या होगा, वास्तविक क्या ये सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, नहीं वास्तविक संख्याएं तो नहीं होंगी, देख सकते हैं ये वास्तविक संख्या की जो रेखा अगर हमने बनाई तो ये सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हो गई, ये हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज की हो गई, यानी यहाँ सारी हमारी धन संख्याएं आएंगी और यहाँ उसकी पलट आएंगी, तो हमारी को क्या रहेगा, परिसर, दूसरा घटक क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू यानी मापांक संख्याएं, अंतराल के रूप में अगर मैं आपको दर्शाऊं तो ये बनेगा, यानी क्या लिख सकती हूं मैं, जीरो से इन्फिनिटी यानी शून्य से इन्फिनिटी, जहां शून्य सम्मिलित होगा इस अंतराल में, और ये क्या हुआ, त्रिनेत्तर वास्तविक संख्या। ठीक, ध्यान देंगे कुछ विशेष बिंदुओं पे, अभी तक जो हमने पढ़ा उनके ऊपर आधारित। सबसे पहले बिंदु पे, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप के द्वारा किया जा सकता है, जो कि हम देख चुके हैं। दूसरे बिंदु में, एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है। तीसरा बिंदु क्या बता रहा है, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों के कुल संख्या कितनी होगी, ये बिंदु बहुत विशेष है, कैसे, इस पे हम एक सवाल भी लेंगे, ध्यान देखेंगे। अगर यदि हमारे पास समुच्चय ए है और इसके अंदर पी अवयव है, समुच्चय बी में क्यू अवयव है, तो हम जानते हैं कि इसके कार्तीय गुणन के अंदर कितने अवयव होंगे, पी क्यू,
हमने ये पिछले सत्र में ही किया है। तो कुल संबंध यानी पूरे संबंधों की कुल संख्या कितनी बनेगी? 2 की घात PQ। और ये कैसे आया? संबंध क्या है हमारे? उपसमुच्चय है। किसके? कार्तीय गुणन के। उपसमुच्चय और हमारे इस कार्तीय गुणन के कुल कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? 2 की घात PQ, ठीक, जो कि आप ऐसे भी जान पाएंगे, बेहतर जान पाएंगे। क्यों? ये पी ए गुणा बी क्या है? घात समुच्चय है, यानी पावर सेट। तो यानी जितनी संख्या हमारे अव्यवों की उसके पावर सेट यानी घात समुच्चय में होगी, वही संख्या हमारे क्या होंगे? संबंधों की संख्या। ठीक, आइए अब इस पे एक सवाल लें। सवाल हमारा क्या बता रहा है? ए समुच्चय दिया हुआ है और बी समुच्चय दिया हुआ है, और हमें क्या बताना है? संबंध ए से बी तक सारी संख्या यानी कितने संबंध हम स्थापित कर सकते हैं उनकी संख्या बतानी है। तो जो हमने पीछे विशेष बिंदु पढ़ा उसी के ऊपर ये सवाल है। तो सबसे पहले इसमें मुझे क्या निकालना होगा? ए समुच्चय में कितने अवयव हैं? कितने हैं? 2, ए और बी। बी समुच्चय में कितने अवयव? इसमें भी 2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? ए और बी के बीच में जो कार्तीय गुणन है उसके अंदर कितने अवयवों की संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है। तो वो भी सरल है, 2 × 2 = 4। अब आखिरी संबंधों की संख्या, वो कितनी थी? ध्यान देंगे, PQ और संबंधों की संख्या कितनी बनी? 2 की घात PQ। तो यानी संख्या हमारी यहाँ कितनी आ गई? 2 की घात PQ, जहाँ P भी 2 ले रहा है और Q भी 2 है। तो यानी 2 की घात 2 × 2 = 4, और 2 की घात 4 कितना होता है? 16। ठीक, आइए इसका हल देखें। यही हमने ज्ञात किया है, Na2 यानी बी समुच्चय में भी कितनी संख्याएं हैं अवयवों की? 2। कार्तीय गुणन के अंदर कितनी संख्याएं हैं अवयवों की? 4। तो कुल मिला के संबंधों की संख्या हमारी 16 बन गई। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज के इस सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा। इस सत्र में हमने सबसे पहले संबंध के बारे में पढ़ा कि संबंध क्या होता है। ठीक, किसी भी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, कार्तीय गुणन ए का बी से एक उपसमुच्चय होता है जिसके अंदर द्वितीय घटकों के मध्यम एक संबंध स्थापित होता है, यानी पहले और द्वितीय घटक जो होते हैं इनके मध्य में एक संबंध स्थापित होता है। ठीक, हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, प्रांत के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा? सहप्रांत के बारे में भी पढ़ा, सहप्रांत के बारे में पढ़ा, और किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या के बारे में भी पढ़ा कि हम कितने संबंध स्थापित कर सकते हैं, और वो संख्या हमने देखी 2 की घात PQ। ठीक, जिसमें P क्या है? समुच्चय A में आने वाले अवयवों की संख्या, और Q है समुच्चय B में आने वाले अवयवों की संख्या। बच्चों, आशा करते हैं आज के सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।